हेलो गाइस, ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर इंस्टाग्राम वायरल एटीट्यूड सारी स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि अभी क्रिकेट वाली जो स्टेटस वीडियो हैं अभी इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस तरह की क्रिकेट वाली सारी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो में बहुत सारे व्यू लाइक आ सकते हैं। गाइस, आपको इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको कैपकट ऐप को और VN ऐप को डाउनलोड करना है। गाइस, आपको कैपकट ऐप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके कैपकट ऐप को डाउनलोड करना है। गाइस, आपको VN ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप प्ले स्टोर पर सर्च करके VN ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले टर्बो VPN वाले ऐप को कनेक्ट करना है, उसके बाद ही आपको कैपकट ऐप को ओपन करना है। तो टर्बो VPN वाला ऐप भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर टर्बो VPN वाले ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सर्च करना है टर्बो VPN। तो गाइस, आपको इस वाले ऐप को ओपन करना है। ओपन होने के बाद आपको टैप टू कनेक्ट के नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो टर्बो VPN वाला ऐप है वो कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ आ गया VPN कनेक्टेड। तो इस तरह से आपको VPN ऐप को कनेक्ट करना है, उसके बाद ही आपको कैपकट ऐप को ओपन करना है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बैक आके कैपकट ऐप को ओपन करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग VPN ऐप को कनेक्ट नहीं करेंगे तो जो कैपकट ऐप में इफेक्ट आते हैं वो आपके कैपकट ऐप में इफेक्ट नहीं आएंगे। तो आपको पहले VPN ऐप को कनेक्ट करना है, उसके बाद ही आपको कैपकट ऐप को ओपन करना है। कैपकट ऐप ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल के जो फोल्डर हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से गाइस, आपको इस वाले वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है। इस वाले वॉलपेपर की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही वॉलपेपर इस तरह से ऐड हो जाएगा। गाइस, आपको वॉलपेपर की लेयर के लास्ट में जो एक कैपकट ऐप का वाटर मार्क मिल रहा है इसको आपको डिलीट करना है। इस तरह से आपको वाटर मार्क पर क्लिक करना है। क्लिक होने का डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कैपकट ऐप का जो वाटर मार्क है वो हट जाएगा। अब गाइस, आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्मेट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको 960 वाली साइज को सिलेक्ट करना है इस तरह से। अब गाइस, आपको वॉलपेपर को जूम करना है। इस तरह से हम वॉलपेपर को फुल स्क्रीन में जूम कर लेंगे। अब यहाँ से आपको बैक आना है। तो गाइस, आपको इसमें सबसे पहले एक साउंड को इसमें सिलेक्ट करना है। नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑडियो वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से गाइस, हम एक वीडियो के साउंड को अपनी वीडियो में लगा देंगे। तो गाइस, आपको इस वाली साउंड वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस तरह से हम साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इम्पोर्ट साउंड ओनली, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस वीडियो का जो साउंड है हमारे वीडियो में लग जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे में जो साउंड वाली लेयर है वो आ चुकी है। आपको वॉलपेपर वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको आपको खींचकर साउंड क्लियर के बराबर करना है इस तरह से। अब गाइस, यहां से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ओवरले वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ऐड ओवरले पर क्लिक करना है। यहां से आपको इसमें एक ब्लैक PNG को इसमें सिलेक्ट करना है। इस ब्लैक PNG की लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह से आपको ब्लैक PNG को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने का नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ब्लैक वाली जो PNG है इस तरह से ऐड हो जाएगी। अब आपको इसको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगाना है। इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम ऊपर साइड में इसको अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे। अब गाइस, आपको ब्लैक PNG की लेयर को खींचकर वीडियो के लेयर के बराबर करना है। अब यहां से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको फिर से ऐड ओवरले पर क्लिक करना है। यहां से गाइस, आपको इसमें एक PNG साड़ी को सिलेक्ट करना है। PNG साड़ी की लिंक गाइस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह से आपको PNG साड़ी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही PNG सारी कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगी।
अब गाइस आपको PNG साड़ी को थोड़ा सा जूम करके अच्छे से इसको नीचे साइड में लगाना है। इस तरह से हम इसको सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे। अब गाइस आपको PNG साड़ी के लेयर को खींचकर वाल पेपर की लेयर के बराबर करना है इस तरह से। अब यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस आपको फिर से एड ओवरले पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी को सिलेक्ट करना है। हम अपनी यहाँ से PNG इंस्टाग्राम आईडी को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह की जो PNG इंस्टाग्राम आईडी है आप पिक्सल लैब ऐप से बना सकते हैं। इस तरह से आपको इंस्टाग्राम आईडी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही PNG इंस्टाग्राम की जो आईडी है कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगी। इसको आपको साड़ी के नीचे साइड में सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगाना है। अब आपको PNG इंस्टाग्राम आईडी की लेयर को भी वॉलपेपर की लेयर के बराबर करना है। इस तरह से हम इसको खींचकर वॉलपेपर की लेयर के बराबर कर देंगे। अब गाइस यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद इस वाली वीडियो को पहले आपको सेव करना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एरो वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो वीडियो है वो डाउनलोड होने लगेगी। तो आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है वो गैलरी में सेव हो चुकी है। आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा डन वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फिर से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको उसी वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है जो आपने अभी सेव की थी। इस तरह से हम उसी वाली वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही वीडियो कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगी। अब गाइस आपको वीडियो की लेयर के लास्ट में जाना है। कैपकट ऐप के वाटर मार्क को यहाँ से डिलीट करना है। अब आपको लेयर के शुरू में आना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इफेक्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से बहुत सारे इफेक्ट जो आ जाएंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा ओपनिंग वाला, इस पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर जो इफेक्ट मिल रहा है हेलो ब्लर वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ये वाला जो इफेक्ट है कुछ इस तरह से लग जाएगा। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से जो इफेक्ट वो लग जाएगा। इफेक्ट की लेयर को खींचकर आपको 0.4 सेकंड तक इसको बढ़ाना है। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। गाइस यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नाइट क्लब वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको चौथे नंबर पर जो इफेक्ट मिल रहा है सेक वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से जो इफेक्ट वो लग जाएगा। अब आपको एडजस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको फर्स्ट में जो स्पीड वाला ऑप्शन मिल रहा है इसको आपको 0 पर सेट करना है इस तरह से। आपको नीचे में जो इंटेंसिटी वाला ऑप्शन मिल रहा है इसको आपको 5 पर सेट करना है। राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा जो इफेक्ट है कुछ इस तरह से लग जाएगा। गाइस आपको सेक वाले इफेक्ट को वीडियो के लास्ट में लगाना है। इस तरह से आपको इफेक्ट की लेयर को होल्ड करना है और पीछे साइड में ले जाना है। इस तरह से आपको पीछे साइड में इसको ले जाना है। इस तरह से गाइस आपको 0.6 सेकंड के बाद में इस वाले इफेक्ट को लगाना है। तो इस तरह से हम इसको सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से जो इफेक्ट है हमारी वीडियो लग जाएंगे। अब गाइस आपको इस वीडियो को यहाँ से सेव करना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एरो वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो वीडियो है वो डाउनलोड होने लगेगी। तो आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो वो डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ से गाइस आपको डायरेक्ट बैक जाना है। बैक जाने के बाद गाइस आपको VN ऐप को ओपन करना है। VN ऐप को गाइस आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है VN ऐप। VN वाला जो ऐप है वो आपके सामने आ जाएगा। इस वाले ऐप को आपको डाउनलोड करना है। तो गाइस मैंने VN ऐप को पहले से ही डाउनलोड किया है। VN ऐप को ओपन करना है। VN ऐप ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू प्रोजेक्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको उसी वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है
जो आपने कैपकट ऐप से बनाई थी उसी वाली वीडियो को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एरो वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो वीडियो है इस तरह से ऐड हो जाएगी। अब गाइस आपको वीडियो के लेयर के लास्ट में जाकर VN ऐप वाले बॉर्डर मार्क को यहाँ से डिलीट करना है। अब गाइस यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा जूम वाला, जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पर जूम आउट वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी जो वीडियो है कुछ इस तरह से सेट हो जाएगी। अब यहाँ से आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको नीचे में एक और ऑप्शन मिल जाएगा इफेक्ट्स वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से बहुत सारे इफेक्ट जो आ जाएंगे। आपको जो ये इफेक्ट मिल रहा है जेटल वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वाला जो इफेक्ट कुछ इस तरह से लग जाएगा। अब गाइस आपको इस वाले इफेक्ट को आपको खींच कर इस तरह से ले जाना है, इस तरह से आपको इसको आगे ले जाना है। तरह से गाइस आपको इस वाले इफेक्ट को 0.6 सेकंड के बाद में इसको लगाना है। इस तरह से हम इसको लगा देंगे। अब आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है पूरी तरह से यहां पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहां पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एरो वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो वीडियो है वो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।